शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट टैक्स पॉलिसी में हाल ही में घोषित बदलावों को लागू करने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसमें निर्यात प्रतिबंध खत्म होने के बाद धीमी गति से वापसी करने वाले शिपमेंट में तेजी लाने के लिए अधिकतम लेवी दर में कटौती शामिल है। यह जानकारी देते हुए अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि नया लेवी दर जुलाई अंत तक जारी रहेगा। अगस्त में फिर से इस पर पुनर्विचार कर दरों में बदलाव किया जा सकता है। उधर इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाने के बाद सोमवार तक 1.16 मिलियन टन पाम तेल उत्पादों के निर्यात परमिट को मंजूरी दे दी है। यह माल भारत में आने के बाद खाद्य तेलों के दाम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल निर्यातक इंडोनेशिया ने खाना पकाने के तेल के घरेलू स्टॉक को बढ़ावा देने और स्थानीय कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 3 सप्ताह तक निर्यात प्रतिबंध के बाद 23 मई से शिपमेंट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन इस दौरान निर्यात में इंडोनेशिया काफी पीछे हो गया। वहां पाम ऑयल उत्पादन से जुड़े सभी लोग घाटे में जाने लगे, इसलिए अधिकारियों ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे एक्सपोर्ट में तेजी आए। इसी के जरिए निर्यात से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। शंकर ठक्कर ने बताया कि मंगलवार को कच्चे पाम तेल के लिए अधिकतम लेवी दर को $375 से घटाकर $200 प्रति टन कर दिया गया। यह दर 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशियाई निर्यातक शिपमेंट पर एक लेवी और एक एक्सपोर्ट टैक्स का तान करते हैं। कुल मिलाकर पाम ऑयल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लेवी और टैक्स दोनों की संयुक्त सीमा $575 प्रति टन से घटाकर $488 प्रति टन की गई है। व्यापार मंत्रालय ने हाल ही में निर्यात के लिए आवंटन को घटाकर 2.5 व्यापार मंत्रालय ने हाल ही में निर्यात के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2.25 मिलियन टन कर दिया, जो पहले लगभग 10 लाख टन था। इससे भारत की जनता को खाद्य तेलों के दाम में राहत मिलेगी, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही आयात करता है। पाम तेल उद्योग समूह के सूत्रों ने बताया कि एक्सपोर्ट का बढ़ावा देने के कार्यक्रम से पाम तेल कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने भंडारण टैंक खाली करने में मदद मिली है। हालांकि 1 अगस्त से निर्यात लेवी दरों में बढ़ोतरी करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम तेल की कीमत और घरेलू ताजे फलों के गुच्छे की कीमत का आकलन हो सकता है। संगठन के महामंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और लेवी कम करने से भारत में पाम तेल का आयात बढ़ेगा और इसका असर कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में जनता को कुछ राहत मिलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।